नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नेताओं और मंत्रियों का नाम लेते ही मन में लकदक सफेद खद्दरधारी शख्स और लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला, साए साए करते सायरन की छवि मन में बनने लगती है कि नेता और मंत्री कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं, नेतागिरी का मोह छोड़कर जनता के लिए गंदे नाले में भी उतर जाते हैं, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन यह हकीकत है। और ये मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। दरअसल रविवार को प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के बिरला नगर इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें शिकायत मिली कि इलाके के गंदे नाले में इतनी गाद हो गई है कि पानी बैक मारने के चलते कई बार कॉलोनी में गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। इसके बाद मंत्री तोमर खुद नाले में उतर गए और फावड़े से नाले की गाद निकालने लगे। एक मंत्री को कमर तक नाले में डूबकर गंदगी हटाते देख इलाके के बाकी लोग भी आगे आए और सफाई में मंत्री का सहयोग किया। इस बात की जानकारी जब ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को हुई, तो उन्होंने इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया। नाले की सफाई के दौरान मंत्री ने कोई दस्ताने या अन्य सुरक्षा सामग्री इस्तेमाल नहीं की थी। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि बिरला नगर न्यू कॉलोनी की महिलाओं ने मुझसे शिकायत की थी कि नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है। जब निगम कर्मचारी सफाई करने नहीं पहुंचे, तो रविवार सुबह मैं खुद ही सफाई करने पहुंच गया। इस गंदगी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और मैं लोगों की तकलीफें नहीं देख सकता। आपको बता दें कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने पहली बार इस तरह सफाई नहीं की है। हाल ही में प्रद्युमन तोमर ग्वालियर के एक इलाके में नाली में उतरे थे और नाली साफ की थी, जिसकी सबने तारीफ की थी। वहीं दो दिन पहले तोमर ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन में जाकर शौचालय भी साफ किया था। वैसे एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के लिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, अनुराग ठाकुर जैसे नेता संसद परिसर जैसे वीवीआईपी इलाकों में झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं, तो वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर जैसे मंत्री स्वच्छ भारत अभियान के लिए खुद नाले में उतर कर नजीर पेश कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पर भी आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने हमारे मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह तोमर की तारीफ की थी। हम तो यही चाहते हैं कि श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी की इस पहल को आम जनता, आम कार्यकर्ता, सभी लोग